विधान परिषद चुनाव में टिकट न मिलने से एक तरफ जहां पंकजा मुंडे के समर्थक नाराज थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी थी। हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी एक पोस्ट के बाद कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है। दरअसल पंकजा ने ट्विटर पर अपना प्रोफाइल फोटो बदल दिया है। बीजेपी की ओर से बार बार नजरअंदाज किए जाने वाली पंकजा मुंडे को अब कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। इस तरह की मांग भी उनके समर्थक काफी लंबे वक्त से कर रहे हैं। अपने नेता की नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर तस्वीर को देखकर कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश है। लोक नेता ताई साहिब, रणरागिनी जैसी कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इन्हीं में से एक कमेंट है कि अब यह चेहरा शिवसेना में दिखाई देगा। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने आज वो तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है, उससे कुछ राजनीतिक संकेत भी मिलने लगे हैं। नाराज होने के बावजूद पंकजा मुंडे भरपूर आत्मविश्वास के साथ दोबारा मैदान में जंग के लिए तैयार हैं, या फिर वो किसी अन्य मुहिम के लिए तैयार हैं। पंकजा के ट्वीट के बाद कई तरह के कयास लगने लगे हैं। विधान परिषद चुनाव में पंकजा मुंडे को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद से वो खामोश हैं। हालांकि उनके समर्थकों ने उनकी उपेक्षा के बाद मराठवाड़ा में जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। पंकजा को उम्मीद थी कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन जब लिस्ट जारी हुई तो उन्हें सिवाय मायूसी के कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद से पंकजा की एक भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। हालांकि उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जरूर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान पार्टी के नेता चंद्रकांत पाटिल, देवेंद्र फडणवीस सबने बातचीत की, लेकिन पंकजा ने अपना मौन नहीं तोड़ा। महाराष्ट्र की सियासत में पंकजा के इस मौन को उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जाने लगा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.